अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि उसमें बेसिक टर्म्स, बेसिक प्लान्स होंगे एनाटॉमी के। ठीक है, तो टॉपिक क्या होगा? टॉपिक होगा बेसिक टर्म्स प्लस, ठीक है, प्लान्स, प्लान्स ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, आज से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ना कि कौन सा प्लेन है, क्या कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो इस चीज़ इस पर हमने काम करना शुरू कर दिया, तो इस पर इंशाल्लाह आपको सही तरह समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो बात यह आती है कि एक छोटा सा एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाए। डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ सही तरह क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, ठीक हो गया। हाँ, ये बेचारा गुजारे का बन गया, कोई ना, हमने सिर्फ पॉइंट ही समझना है। हाँ, हमने कौन सा इसको जॉब देना है। अच्छा, आप ये समझें कि यहाँ पर कोई शख्स है, ठीक है, उस पर सबसे पहले तो हम यहाँ पे टर्म्स की बात करेंगे, कौन कौन से टर्म्स हम यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, मतलब कुछ टर्म्स इस्तेमाल होते हैं एनाटॉमी में जिनका पता होना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इंसान को पता ही नहीं चलता। आप ये देख लें कि एक ये बंदा जो है, ये भाई साहब क्या कर रहा है। ठीक है, माशाल्लाह इसको थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, ये जो बंदा है ये सामने देख रहा है, ठीक है, सामने देख रहे हैं। अब होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इमेजिनरी लाइन खींचता हूँ। ठीक है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं जहाँ स्टर्नम है ना, हमारी स्टर्नम बोन, ठीक है, वहाँ से एक लाइन मैंने खींचा। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं मिड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? मिड लाइन। ये आपको पता होना चाहिए, मिड लाइन का पता होना चाहिए। एनाटॉमी में बोलते हैं ना कि मिड लाइन से, इस तरह स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि मिड लाइन होता क्या है। ठीक है, मिड लाइन ये होता है। अब इसके अलावा, ये तो हमें मिड लाइन का पता चला, अब एक चीज़ होता है मीडियल, एक होता है लेटरल। पहले हमने क्या सीखा यहाँ से? मिड लाइन, हमें मिड लाइन का पता चल गया। अब एक चीज़ होता है मीडियल, एक होता है लेटरल। अब कोई भी चीज़ इस मिड लाइन के आसपास होगा तो उसको बोलेंगे मीडियल। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ एक चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, कोई मसल है मसलन, ठीक है, ये क्या है? मिड लाइन के नज़दीक है। मैं यहाँ पर भी बना रहा हूँ तो ये क्या है? ये भी मिड लाइन के नज़दीक है। अब ये जो मिड लाइन के नज़, ये एक चीज़ मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें यहाँ पर हो, यहाँ पर भी हो सकती हैं, यहाँ पर भी हो सकती हैं, मतलब जो चीज़ मिड लाइन के आसपास होगी, नज़दीक होगी। ये देखो, ये दोनों नज़दीक है ना, तो इनको बोलेंगे मीडियल साइड। ठीक है, मीडियल साइड, ठीक है, ये मिड लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि ये मीडियल साइड के जो मिड लाइन है ना, उसके साथ है, तो क्या होगा? मीडियल साइड हम कहेंगे। ये क्या है? ये चीज़ है, ये मसल जो है, ये मीडियल साइड है। अगर ये मिड लाइन से ज़रा हटके होगा तो हम ये बोलेंगे क्या है कि ये लेटरल साइड पे है। ठीक है, मीडियल और लेटरल साइड का यही फ़र्क है। जो चीज़ मीडियल साइड, मिड लाइन के आसपास होगा तो ये मीडियल होगा, जो दूर होगा वो क्या होगा? लेटरल होगा। तो हमने मीडियल साइड का भी पता चल गया, ठीक है, और क्या पता चल गया? लेटरल साइड का भी पता चल गया। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हमें पता करना है कि एक चीज़ है सुपीरियर, एक चीज़ है इन्फीरियर। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ ऊपर होगा ना, कोई भी चीज़ ऊपर होगा, मतलब ये चीज़ ऊपर है, मिसाल ये मेरे पास पेन है, ये अगर पेन के ऊपर होगा तो ये क्या होगा? सुपीरियर होगा। ये पेन के नीचे भी कोई चीज़ होगा वो इन्फीरियर होगा। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर का यही फ़र्क है, एक है सुपीरियर, एक है इन्फीरियर। सुपीरियर जो ऊपर होगा, इन्फीरियर जो नीचे होगा, कोई भी ऐसी जगह ऊपर नीचे, ठीक है, इसको सुपीरियर इन्फीरियर बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है इंटीरियर और पोस्टीरियर की। ठीक है, एक है इंटीरियर, इंटीरियर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रल, वेंट्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक है डॉर्सल, डॉर्सल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंटीरियर का मतलब ये है कि ये बंदा जो मुझे सामने से देख रहा है तो ये इंटीरियर है, इसका पीछे वाला जो, मतलब ये जो मेरा इंटीरियर साइड है, इसको मैं पीछे करूँगा तो ये पोस्टीरियर साइड है। ये बंदा जो इंटीरियर से, ये जो देख रहा है, ये इंटीरियर साइड है, जो इसका बैक एरिया है वो क्या है? पोस्टीरियर साइड है। ठीक है, ये चीज़ भी कंप्लीट हो गई। अब अगली चीज़ आती है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल क्या होता है, ठीक है, और डिस्टल क्या होता है, बस ये फ़र्क देखना है आपने। प्रॉक्सिमल वो चीज़ होता है जब कोई भी चीज़, कोई भी, या मिसाल के तौर पर यहाँ पर नी जॉइंट है, ठीक है,
मिसाल के तौर पर यहाँ नी ज्वाइंट है। अब नी ज्वाइंट मतलब कोई भी ज्वाइंट के नज़दीक जो चीज़ होगा ना उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल। ज्वाइंट के नज़दीक जो होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल। और ज्वाइंट के जो ज्वाइंट जो ज्वाइंट के बाद होगा ना, प्रॉक्सिमल के बाद होगा उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल। सॉरी मतलब जो प्रॉक्सिमल है ठीक है उसको क्या बोलेंगे? एक तो प्रॉक्सिमल, इसको बोलेंगे डिस्टल। ठीक है, जो ज्वाइंट के नज़दीक होगा प्रॉक्सिमल, ज्वाइंट के बाद जो होगा उसको डिस्टल। अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, बस एक चीज़ रह गई है, वो चीज़ क्या है कि प्लैंस क्या होते हैं इसके। ठीक है, प्लैंस का पता करना है हमने। तीन प्लैंस होते हैं बॉडी को, हम लोग तीन प्लैंस में काट देते हैं। पहला जो है वो सजाइटल है। ठीक है, सजाइटल प्लेन है, सजाइटल प्लेन है। सजाइटल प्लेन में क्या होता है? देखो सजाइटल प्लेन में हम क्या करते हैं कि ये जो बंदा खड़ा है इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे। ठीक है, यहाँ से पूरी तरह इस तरह काट देंगे, तो ये सजाइटल प्लेन होगा। ये किस में इसको डिवाइड करेगा? सजाइटल प्लेन, सजाइटल प्लेन करेगा इसको डिवाइड लेफ्ट एंड राइट में, राइट एंड लेफ्ट में। ठीक है, एक बंदा है ना, इसको अगर यहाँ से काट दें तो ये राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, मतलब दो चीज़ में डिवाइड हो गया, ये चीज़ मुकम्मल हो गई। अब अगली चीज़ जो है वो प्लेन आती है, वो है फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल प्लेन क्या है? फ्रंटल प्लेन नाम से जाहिर है। देखो ना, हम लोग क्या करेंगे कि फ्रंटल प्लेन को हम लोग, ये जो मेरे पास एक पेन है ना, ठीक है, इसको मैं यहाँ से काटूँ। ठीक है, ये देखो ये मेरे पास एक पेन आता है, इसको मैं यहाँ ऊपर ऊपर से काटूँ कि इंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड दोनों हाफ में डिवाइड कर लूँ, मतलब फ्रंट और बैक दोनों में डिवाइड कर लूँ। तो क्या मतलब, ये जो बंदा है इसको मैं मतलब एक आलू है आपके पास, ठीक है, एक आलू है ना, इस आलू को आप लोग इस तरह चीरते हैं तो ऊपर वाला और पीछे वाला दोनों रह जाते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंटल। फ्रंटल से जब फ्रंटल जो प्लान है ये किस में कन्वर्ट कर देता है इसको? इंटीरियर और पोस्टीरियर, मतलब फ्रंट और बैक साइड पे। ठीक है, अब लास्ट चीज़ रह गई है, वो है हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। हॉरिजेंटल प्लेन में इस तरीके से काटते हैं, ठीक है, कि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दोनों कन्वर्ट मतलब जो है डिवाइड हो जाते हैं, मतलब अपर अपर प्लस लोअर, अपर और प्लस लोअर इस रीजन में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल प्लेन। दोबारा फ्रंटल समझना ज़रूरी है, फ्रंट सजेटल तो समझ आ गई है, ठीक है, कि इंटीरियर पोस्टीरियर में है। ठीक है, फ्रंटल को दोबारा समझना है कि अगर मेरे पास ये पेन है इसको मैं क्या करूँ कि यहाँ से काटूँ, मतलब इस साइड से डिवाइड कर लूँ, दरमियान से काटूँ। ठीक है, क्या होता है? इंटीरियर पोस्टीरियर, मतलब फ्रंट में और बैक में डिवाइजन हो, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है हमारी बेसिक टर्म्स एंड प्लान्स ऑफ द एनाटॉमी। सो दिस इज़ फॉर यू पीपल। अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। थैंक यू।